आप सबको स्वागत है। आज हम 20 जुलाई की शुरुआत में बात पहुंचे हैं। स्वचिंतन और स्वदर्शन, ये दो चीजें हैं, दो ताकतें हैं। या तो हम इनको परिवर्तन करके परदर्शन और परचिंतन कर सकते हैं, और कैसे हैं, कैसे हैं, उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, उसके अंदर क्या खामी है, उसके अंदर क्या कमजोरी है, वो अगर ऐसा ना होता तो, अगर ऐसा करता तो, उसकी बुद्धि अगर ऐसी होती तो, ये हो गया परचिंतन और परदर्शन, है ना। तो परमात्मा कहते हैं इन चीजों से मुक्त हो जाओ। क्यों? अब उसको हम आज हम समझेंगे यहाँ पर इस वरदान में। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भवा। दाग कब लग जाता है? जब हम औरों की कमी कमजोरियों को बार बार चिंतन करते हैं। तो आत्मा को आप एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम से समझिए, और उसमें इन आंखों के द्वारा औरों की बुराइयां दिखना, कानों के द्वारा बुराइयां सुनना, और किसी की बोली हुई बातों को सुनना, ये सारी चीजें एक तरीके से एक वायरस समझिए, जो कि हमारे इन आंखों के द्वारा अंदर आता है, आत्मा के अंदर वो दाग बन जाता है, एक वायरस जैसा घुस जाता है, जिसको परमात्मा दाग कह रहे हैं आज। तो परमात्मा कहते हैं बेदाग कैसे हो गए? जब आप परदर्शन, परचिंतन, औरों के बारे में सोचना, और कैसे हैं, उनके अंदर क्या कमी कमजोरी है, उनके कौन से बिहेवियर्स अच्छे नहीं है, उनकी कौन सी आदतें आपको पसंद नहीं है, ये औरों की आदतें जो पसंद नहीं है, यही हमें डिप्रेशन में डालती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो वायरस, बार बार आप किसी का चिंतन करते रहे, करते रहे, करते उसके अंदर ये कमी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसा बिहेवियर उनका, देखो वो कैसे हो, ये सब आप अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, सॉफ्टवेयर आत्मा के अंदर आप एक वायरस को बार बार प्रोग्राम चला रहे हैं, बार बार प्रोग्राम चला रहे हैं। और जब आप वायरस का प्रोग्राम चलाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, लैपटॉप स्लो होता है, मोबाइल फोन स्लो हो जाता है वायरस में से, राइट? क्योंकि सॉफ्टवेयर भारी हो जाता है। उसी तरीके से मन भारी हो जाता है, मन लगता नहीं है, खुशी नहीं होती अंदर से, क्योंकि हम औरों की बुराइयां, औरों के ही बारे में, औरों की कमी कमजोरियों के बारे में ही चिंतन करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए, अगर ये अनुभव आपको करना है, हीरे समान मतलब बिल्कुल ही चमकता हुआ, जिसके अंदर कोई फ्लॉ ना हो, सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सिर्फ अपने बारे में सोचो कि मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है, मेरे को उसको कैसे हटाना है मुझे, और स्वदर्शन चक्रधारी मतलब कि मैं पिछले जन्म में कैसी आत्मा थी, मैं देवात्मा थी, तो ऐसे कैसे हो सकता कि देवात्मा किसी की बुराइयां दिखे, किसी की बुराइयों के बारे में सोचे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं, आत्मा रूपी हीरे की बात हो रही है अभी, ये दो बातें, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। पर मतलब किसी और का, इसलिए परलोक, परलोक मतलब परे लोक, परचिंतन मतलब किसी और का चिंतन, अपने से परे का चिंतन। तो परलोक वही बात होगी और परचिंतन वही बात होगी, इस लोक से परे लोक, परलोक, और हमसे परा इंसान, उसका चिंतन करते रहे, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसा करता है, ऐसे करती है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलती है, ऐसे एक्ट करता है, ऐसे एक्ट करती है, ये सोचना एक परदर्शन और दूसरा परचिंतन में हमें ले आता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। हम आत्मा के अंदर वो दाग, जिसको हम कह रहे थे वायरस, वायरस घुस जाता है हमारे अंदर, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कुछ सालों के बाद में किसी के बारे में बुराइयां सोचते 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 हमारा ही बिहेवियर वैसा हो जाता है, हम ही वैसे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम उनके क्लोन बन जाते हैं, उनकी कॉपी बन जाते हैं। आप किसी के बारे में पूरे दिन आप किसी के बारे में, किसी बुराइयों के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, और एक है आपके पास में चॉइस, आप परमात्मा की खूबियों के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, जो सोचोगे वैसे बन जाओगे, राइट? अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई संबंधी हो, कोई साथी हो, कोई पुराना ही दोस्त हो, जिसकी कोई आपको कोई आदत पसंद ना आती हो, आप दिन भर उसी के बारे में बात करते रहो, अपने साथियों से, संबंधियों से, उनके बारे में बात करते रहो, आपको एक दिन फील होगा कि आप ही उनके जैसे बिहेव करना, बोलना और सोचना शुरू कर दोगे। यह वायरस घुस जाता है आंखों से, कानों से। परमात्मा कहते हैं अपनी आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर को स्वच्छ रखो, एंटीवायरस लगाओ उसमें, मेरा चिंतन करो, मैं एंटीवायरस हूँ, और अंदर अच्छा स्वचिंतन करो कि कितने आप शक्तिशाली हो, कितने पावरफुल हो स्वमान से, तब जाकर के अंदर के वायरस निकलने शुरू होंगे। फिर परमात्मा कहते हैं यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं, इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधार, स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। जैसे हीरे के ऊपर धूल या दाग नहीं लग सकता, वैसे हम आत्मा रूपी हीरों के ऊपर धूल और दाग लग नहीं सकता। तो इस बीज को समाप्त करो, बीज मतलब इस वायरस को समाप्त करो, जो हमने बीज डाला हुआ है, बीज संकल्प को परमात्मा बीज कह रहे हैं,
या तो हम स्व चिंतन करें, परमात्मा चिंतन करें, स्वदर्शन चक्र करें, या तो फिर हम औरों के बारे में चिंतन करें, वो भी बीज है, संकल्प ही बीज है। फिर परमात्मा कहते हैं सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, स्वदर्शन चक्र, औरों का चिंतन नहीं। बार बार मन को बोलो मत सोचो ना उसके बारे में, बुद्धि उसको विजुलाइज मत करो, परमात्मा को विजुलाइज करो। ये अपने साथ में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और कोई हमारे लिए प्रोग्रामिंग नहीं करेगा हमारे मन की, हमें खुद ही अपने मन की प्रोग्रामिंग करनी है। और यही सब कुछ तो हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। आप भी आइए, इस ज्ञान को सीखिए। ओम शांति के साथ।